अब आगे बढ़ते हैं। मणिपुर से शुरू होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रैली को सशर्त मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी का अभियान तेज हो चला है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत लोगों को न्याय योद्धा बनाने के लिए अभियान छेड़ दिया है। राहुल ने ट्वीट के जरिए लोगों से आह्वान किया है कि अब तो लेके रहेंगे न्याय, सहो मत डरो मत। संदेश साफ है, लड़ाई कठिन है, ये लड़ाई आग का दरिया पार करके हमें निकलना है। शर्तों के साथ ही सही आखिरकार मणिपुर सरकार ने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मंजूरी दे दी और इसके साथ ही कांग्रेस का स्टिकर कैंपेन तेज हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी यात्रा के स्टिकर कैंपेन के हिस्सेदार बन गए। इससे पहले बुधवार को कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने भी कार पर स्टिकर चिपकाकर इस अभियान में हिस्सा लिया। कांग्रेस इस यात्रा को मणिपुर के इम्फाल से निकालना चाहती थी पर उसे इसे पैलेस ग्राउंड से करने की मंजूरी नहीं दी गई, लेकिन बुधवार शाम को प्रशासन ने कम भीड़ वाली शर्तों के साथ थौबल जिले के खोंगजोम से यात्रा की शुरुआत करने की मंजूरी दे दी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ा पेम्पलेट, वेबसाइट और न्याय योद्धा कैंपेन लॉन्च किया, तो साथ ही न्याय योद्धा बनने के लिए मिस्ड कॉल करने का नंबर भी जारी कर दिया। अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी लोगों से न्याय योद्धा बनने का आह्वान कर दिया। प्यारे कार्यकर्ता बब्बर शेर किसी से डरता नहीं है। राहुल ने एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, अब तो लेके रहेंगे न्याय, सहो मत डरो मत, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़े 9891802024 पर मिस्ड कॉल करें और बने न्याय योद्धा। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार होने के कारण देश पिछले 10 साल से अन्याय झेल रहा है और राहुल गांधी इसी वजह से ये न्याय यात्रा निकालने जा रही है। देश 10 साल से हर तरह का अन्याय झेल रहा है, बेरोजगारी का अन्याय झेल रहा है, महंगाई का अन्याय झेल रहा है, आर्थिक असमानता का अन्याय झेल रहा है, महिला के खिलाफ अपराध का अन्याय झेल रहा है, और ऐसे में जरूरी है कि न्याय हो, और उस न्याय को करने के लिए राहुल गांधी जी 6700 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करने जा रहे हैं मणिपुर से मुंबई तक। उस यात्रा में आप जैसे लोग, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो न्याय की गुहार लगाना चाहते हैं, न्याय की ललकार लगाना चाहते हैं, वो न्याय योद्धा बने, और वो बनने के लिए 9891802024 पर मिस कॉल कीजिए और न्याय योद्धा बनिए। ये यात्रा श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हो रही है। ये यात्रा पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, इसमें कोई चुनावी कहेंगे भाषण हो, वोट मांगे जाए, नहीं होगा। सिर्फ जिनके साथ अन्याय हुआ है, कुछ उदाहरण मैंने भी दिए, उनको न्याय दिलाने का वायदे के साथ। हर आदमी, हर देश का नागरिक, जवान है, किसान है, आदिवासी है, दलित है, बेरोजगार है, पीड़ित महिलाएं हैं, देश का हर नागरिक इस यात्रात्मक में हिस्सा बन सकता है, अपनी बात को रख सकता है, और एक बड़ा मंच उन्हें न्याय योद्धा के तौर पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत हम दे रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता के लिए कांग्रेस का अभियान रफ्तार पकड़ चुका है।